साथियों, बिहार विधानसभा भवन का ये शताब्दी उत्सव एक ऐसे समय में हो रहा है जब देश अपनी आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। विधानसभा भवन के 100 साल और देश की आजादी के 75 साल, ये केवल समय का संयोग नहीं है, इस संयोग का साझा अतीत भी है और सार्थक संदेश भी है। एक और, बिहार में चंपारण सत्याग्रह जैसे आंदोलन हुए तो वही इस धरती ने भारत को लोकतंत्र के संस्कार और आदर्श पर चलने का रास्ता भी दिखाया। दशकों से हम ये बताने की कोशिश होती रही है कि भारत को लोकतंत्र, विदेशी हुकूमत और विदेशी सोच के कारण मिला है। और हमारे लोग भी कभी कभी ये बातें बोलते हैं, लेकिन कोई भी व्यक्ति जब ये कहता है तो वो बिहार के इतिहास और बिहार की विरासत पर पर्दा डालने की कोशिश करता है। जब दुनिया के बड़े भूभाग सभ्यता और संस्कृति की ओर अपना पहला कदम बढ़ा रहे थे, तब वैशाली में परिष्कृत लोकतंत्र का संचालन हो रहा था। जब दुनिया के अन्य क्षेत्रों में जनतांत्रिक अधिकारों की समझ विकसित होनी शुरू हुई थी, तब लिच्छवी और वज्जी संघ जैसे गणराज्य अपने शिखर पर थे।